देखो मिसलिनियस डाटा एंट्री फीचर ऑप्शन। अब इसके अंदर आपके कुछ मिसलिनियस फीचर ऑप्शन है आपके। सबसे पहले आपको दिखाता है डेली मैसेजेस। डेली मैसेज का मतलब क्या है यहाँ पर आपका, कि आपको अपने इनवॉइस के ऊपर कोई मैसेज चाहिए तो यहाँ पर आप वो जो मैसेज लिख दोगे वो मैसेज आपका ऑटोमेटिक प्रिंट होकर आएगा यहाँ पर। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर डेट डाली 1/4 से, मैंने कहा सेल के अंदर ऑल सीज के अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया और कितने दिन तक वैलिड रहेगा ये, मैंने कहा 30 दिन तक वैलिड रहे मैसेज, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर आना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आना है, सेल में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेली मैसेजेस, प्रिंट डेली मैसेजेस। इस वाले फीचर ऑप्शन को आप यस करोगे और F2 से सेव करोगे और इसके बाद आप कहाँ पर आओगे, सेल के अंदर जो भी आपने बिल बनाया और उस बिल को आप अगर प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिक उस पर क्या लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, जो आपने यहाँ पर मैसेज डाला है, ठीक है। ये मैसेज पूरा आपका एक लाइन पर आ जाएगा यहाँ पर, जो भी आप मैटर लिखोगे, जितने दिन के लिए आप मैटर लिखोगे। अभी हमने 30 दिन डाला है तो 30 दिन के लिए दिखा रहा है। अगर आप वहाँ पर 365 दिन डाल दोगे तो 365 दिन के लिए आपका वो ऑटोमेटिक ये बाय डिफॉल्ट ये मैसेज आता रहेगा प्रिंट होकर, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर ऑप्शन है आपका अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स यहां पर हमने ऑल पार्टीज किया डेट वाइज और हमने यहां पर सेल डाला। अब जैसे कि हमने जो भी सेल करी है और उसके अंदर हमको देखना है सिर्फ ट्रांसपोर्ट को ही अपडेट करना है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ अबिलिटी बाद में आती है, हम इनवॉइस पहले बना देते हैं। आपने क्या क्या पूरी की पूरी लिस्ट निकाल के देखनी है कि हमने किस किस ट्रांसपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट मेंशन करी या नहीं करी। हमने किसी पर जीआर नंबर डालने से भूल गए या ट्रांसपोर्ट डालना भूल गए तो हम क्या कर देंगे, इसको बाद में अपडेट कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा इस पर मैं ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालना भूल गया तो ये मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रांसपोर्ट का नाम और यहाँ पर जीआर नंबर बिल्टी नंबर जो भी रहेगी आपकी, व्हीकल नंबर स्टेशन डालना चाहो तो डाल दोगे और इसको सेव करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगी ट्रांसपोर्ट डिटेल सारी एक साथ में, वन टाइम में आपका क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अपडेट परचेज बिल नंबर एंड डेट ऑल पार्टीज डेट वाइज, तो यहाँ पर देखो सारे के सारे इनवॉइसेस आ जाएंगे आपके। और अगर आप कहीं पर इनवॉइस नंबर डालना भूल गए तो आप डायरेक्ट यहीं पर डाल दो। मैंने कहा इसका नंबर जो था 120 था और गलती से मैंने क्या डाल दिया 112 डाल दिया, 112 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा इसका 300 था तो 300 आ जाएगा, इसको सेव कर दोगे तो ये वन टाइम में क्या हो जाएगा आपका, अपडेट हो जाएगा एक बार में। उसके बाद अपडेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स, यहाँ पर पार्टी के नाम में आपको बिलिंग शिपिंग डिटेल को अपडेट करना है तो हमें ये बिल नंबर देख के डालना पड़ेगा सेल वाले का। तो जैसे GSF/1/2020/1/2020 कह रहा है बिलिंग शिपिंग डिटेल अनेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी बिलिंग शिपिंग डिटेल को हम अनेबल करते हैं उसके बाद ही डालते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सेल के अंदर मेन के अंदर और यहाँ पर बिलिंग शिपिंग डिटेल को यस कर लेंगे, सेव करेंगे और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब अपडेट करेंगे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स को। ऑटोमेटिक आ गया, एंटर करोगे पार्टी का नाम डाल के उसकी शिपिंग डिटेल्स को डाल दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये यूज था आपका मिसलिनियस डाटा एंट्री का। ठीक है, क्लियर है।
तो इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं।